Good morning, everyone. Once again, we are coming to introduce a new chapter of class 12th accountancy. In the last few videos, we already completed the first three chapters of part B. The name of the first chapter of part B, that is in financial statement of company. Number second chapter is financial statement analysis, and chapter number three is tools for financial statement analysis, which include the two statement, that is an comparative statement and common size statement. So after completing the first three chapter of part B, let's we move to the last chapter of unit 4, the last chapter, second last chapter of the part B, that is an accounting ratio. And after this, we discuss the last chapter of part B, that is in cash flow statement, and uske baad hamara syllabus kya ho jayega, finish, and we will move to the revision part of our syllabus. So according to the new syllabus, you know very well, accounting ratio is a very important chapter for us, for the examination point of view as well as for the future competitive examination point of view. Okay, so first of all, what is the accounting ratio? What is account ratio analysis? इसमें सबसे पहले जो theoretical definition आती है वो होती है, what is ratio analysis? या पहले हम लोग ये discuss करते हैं कि sir, what is the meaning of ratio? Ratio क्या होता है? You know very well, आपने basic classes में पढ़ा हुआ है, what is the meaning of ratio? Ratio मतलब, ratio is a tool for mathematical tool by which we can easily the relationship between the two variable, यानी अगर हमें x और y के बीच में क्या बनाना बताना है, relationship बताना है, तो we can take the help of ratio. जैसे for example, मेरी income मेरे father की income की half है, so we can also say that कि हम percentage में ये चीजें बता सकते हैं. जैसे मैंने कहा मेरे half है, या पापा मेरे फादर की इनकम मेरी इनकम की क्या है, जस्ट डबल है. सो ये क्या कर रहा है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ रेशियो वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल के बीच में क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है. और अगर हम बात करें हम कितने तरह से रेशियो को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वे. रेशियो कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं. जैसे बेसिकली सबसे पहला होता है सिंपल रेशियो. सबसे पहला क्या होता है, सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो मतलब 2:1, 3:1, ठीक है. तो फर्स्ट वन विल बी अ सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो मींस यू कैन सी दैट जैसे 2:1, 3:2 आपने देखा होगा पार्टनरशिप में. तो पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं, दो पार्टनर्स के पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सिंपल रेशियो में कैटेगराइज होता है. सेकंड है रेट रेशियो. रेट रेशियो मतलब इन टाइम्स, हम टाइम्स में बताते हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना इनकम का, फादर और सन के बीच की इनकम का, तो उसमें बताया 2 times, 3 times. सो टाइम्स इज ऑल्सो द टूल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द रेशियो. इट मीन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल. इसके साथ साथ तीसरा होता है आपका परसेंटेज रेशियो. परसेंटेज रेशियो मतलब 30%, 70%, 50% ऐसे बताते हैं ना, 50% एंड दिस इज एन 50%. हम 50%, 80% जैसा टूल यूज करते हैं दो वेरिएबल के बीच में बताने के लिए. जैसे मेरी इनकम मेरे फादर की इनकम की 80% है. सो दिस इज एन रेशियो बिटवीन द टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज.
तो हम रिलेशनशिप को दो फैक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कई तरह से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट है आपका फ्रैक्शन रेशियो। फ्रैक्शन में पता है आपको, फ्रैक्शन में भी हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था हाफ है, ठीक है, जैसे हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो हम बताते हैं ना कि x जो है y का वन फोर्थ है, y जो है z का टू थर्ड है। सो इट विल ऑल्सो दी हेल्प दी एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फैक्टर, टू वेरिएबल। एंड रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वे, सिंपल, रेट, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। सो ये तो हो गया रेशियो, बट हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ये तो रेशियो का बेसिक पॉइंट है जो हमें जानना चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो मीन्स इफ रेशियो आर कंप्यूटेड, इफ रेशियो आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई भी रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सो विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो सच रेशियो विल बी नोन एज अ अकाउंटिंग रेशियो। एंड अकाउंटिंग रेशियो को बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, देयर आर बेसिकली फोर टाइप ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, तो उसको डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो, लेट्स बी डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट टाइप ऑफ द अकाउंटिंग रेशियो विल बी अ types of accounting ratio, the first type of accounting ratio will be a, first type is ratio will be a liquidity ratio, liquidity ratio. The second type of the accounting ratio will be a, second type of the accounting ratio will be a solvency ratio. इतने तरह के रेशियो में पढ़ने हैं हमारे एग्जाम में, इतने तरह के रेशियोज हैं। थर्ड है एक्टिविटी रेशियो, फोर्थ विल बी अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। So if an examiner asks to you how many types of accounting ratio, so you will give the accurate answer, sir, there are four types of the accounting ratio, liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio and profitability ratio. So one by one in ratios ko hum analyze karenge, inko interpret karenge and thereafter we frame the formula and solve the different practical problem related to these types of the ratio. So, पहले ratio का नाम है liquidity ratio. नाम से clear है liquidity. यानी एक ऐसा ratio जो business के liquid position को check करेगा. Liquid position मतलब cash position. वो ये check करेगा कि company पास कितना cash available है. Cash क्यों होता है? Basically cash इसलिए होता है कि हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इफिशियंटली क्या कर सकें, रन करा सकें। पॉइंट नंबर टू, लिक्विडिटी इसलिए होती है ताकि हम अपने वर्कर्स को पे कर सकें और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे ऑफ कर सकें। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स को पे ऑफ कर सकें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट। तो करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए वी हैव अ सफिशिएंट लिक्विड अमाउंट इन अवर बिजनेस। So liquidity ratio is also known as a, इसको और किस नाम से जानते हैं, short term solvency ratio. एक था solvency ratio,
तो वो जो सॉल्वेंसी रेशियो है बेसिकली जो है वो लॉन्ग टर्म पीरियड से रिलेटेड होता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म लोन को पे करने के लिए कितना कैपेबल है, वेयर एज लिक्विडिटी रेशियो एस्टिमेट और प्रिडिक्ट अबाउट द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज कंपनी कैन चेक देयर सॉल्वेंसी पोजिशन इन शॉर्ट टर्म पीरियड. मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड में वो अपने लोन्स को, मतलब वो अपने आप को कैसे प्रूव करेगी कि ही इज आई एम सॉल्वेंट, मैं सॉल्वेंट हूं, मैं कैसे प्रूफ करूंगा, मैं इस तरह से प्रूफ करूंगा कि मैं अपने सारे डेब्ट्स को पे कर सकूं, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्वेंट. एंड द ओन एंड एनी और एनी पर्सन हु इज इनसॉल्वेंट वो क्या होता है, अपने लोन को पे ऑफ नहीं कर पाता है. सो बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो रेफर्स सच टाइप ऑफ द रेशियो by which we can easily estimate the short-term solvency position of the company. अब बात ये उठती है कि liquidity ratio में हम कौन-कौन से ratio को study करेंगे ताकि हम company की short-term solvency position को हम क्या कर सके, measure कर सके. So basically company के short-term solvency position को check करने के लिए दो ratio बनाए गए हैं. First है करंट रेशियो एंड सेकंड है लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो के कई नाम हैं, आप बुक उठाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको सजेस्ट किए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाएंगे. एक है लिक्विड रेशियो, एक है एसिड टेस्ट रेशियो, एक है आपका लिक्विड के बाद लिक्विड को और किस वर्ड से हम प्रोनंशिएट कर सकते हैं. Liquid means that is a quick ratio. Yes, quick ratio. So examination में जरूरी नहीं है कि सिर्फ liquid ratio ही given होगा. Examination में इसका नाम change करके भी आपसे पूछ सकता है कि tell me about the liquid ratio, tell me about the acid test ratio, tell me about the quick ratio. So what is current ratio? अब हम लोग first टाइप ऑफ दी लिक्विडिटी रेशियो को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज इन व्हाट इज अ करंट रेशियो. करंट रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. यानी शॉर्ट में कहें कि ऐसा रेशियो जो कंपनी के शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है. व्हाट इज करंट एसेट्स? एनी एसेट व्हिच आर कन्वर्टेड टू कैश विद इन वन ईयर. And what is a current liability? Any liability which are paid within 1 year. So with the help of the current ratio, we can easily establish the relationship between the current assets and current liability. So the formula of current ratio will be, current ratio is CR equals to current assets divided by current liabilities. CA upon CL. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज सॉरी लिक्विडिटी रेशियो जो हम पढ़ रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, सारे तरह के रेशियो जो चारों रेशियोज हैं, लिक्विडिटी हो चाहे सॉल्वेंसी हो चाहे वो एक्टिविटी हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो, इन रेशियोज को एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग है. जैसे चार तरीके थे हमारे, सिंपल रेशियो, परसेंटेज रेशियो, रेट रेशियो और फ्रैक्शन रेशियो. चार टाइप थे हमारे पास रेशियो एक्सप्रेस करने के लिए. तो जो लिक्विडिटी रेशियो है वो सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, सॉल्वेंसी रेशियो भी सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, एक्टिविटी रेशियो जो है वो टाइम्स में रिप्रेजेंट होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो परसेंटेज में शो होता है. ये याद रखिएगा हमेशा. सो जो हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ रहे हैं जिसमें फर्स्ट रेशियो है दैट इज एन करंट रेशियो, सो करंट रेशियो इक्वल्स टू द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. सो ये रेशियो किस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होगा? सिंपल. यानी इसका आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा? 2:1, 1:1, 5:1, इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा. ठीक है. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि करंट रेशियो को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तो सिंपल रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि सर विच टाइप ऑफ द एसेट्स आर इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स एंड विच टाइप ऑफ द लायबिलिटी आर इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटी. सो बेसिकली जो करंट एसेट्स होता है
करंट एसेट्स में वो सारी एसेट्स आती हैं जिन्हें हम 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 11th में भी ये चीजें आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा बहुत ज्यादा डीप से बताना है, लेकिन आई नो कि आप लोग की जो मेमोरी पावर है बहुत वीक होती जा रही है डे बाई डे, यानी आप लर्न नहीं कर पा रहे। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ एक बार फिर से, करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करते हैं, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अभी तो मुझे याद आया जस्ट कि हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में, जो इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा, इससे पहले वाला चैप्टर कौन सा था हम लोग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इस टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, ठीक है, ये सारी चीजें करंट एसेट्स में इंक्लूड होंगी। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस और आपका एक्रूड इनकम एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज, द वेरी इंपॉर्टेंट इज, याद आया, इन्वेंट्रीज। तो ये सब चीजें जो हैं कैश करंट एसेट्स में इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, सिंपल सी बात है, वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना है, दोज लायबिलिटी विच आर पेड विद इन 1 ईयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी नोन एज इन करंट लायबिलिटी। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द करंट लायबिलिटी, नाम से आपको पता ही होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ओके। सो ये जो तरह की चीजें हैं विच आर इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटी, सो ये आइटम्स आपको लर्न होने चाहिए, अपने एकदम लर्न होने चाहिए। कोई कहीं पूछे कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, तो आपको अप्रोक्सीमेट इतने आइटम्स तो याद होने ही चाहिए विच आर इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी व्हाइल बी कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब सवाल उठता है सर, जब हम एनालाइज करने की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है वो एनालिसिस पे डिपेंड है कि हाउ वी विल एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो जब कंपनी अपना करंट रेशियो फाइंड आउट करती है तो वो रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करती है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जिसे देना, और करंट एसेट मतलब जो मेरे पास 1 ईयर के लिए मेंटेन है। तो वो अपना जो करंट लायबिलिटी कंपनी पे करेगी तो कहां से करेगी, करंट एसेट्स में से पे करेगी। गॉट इट, आप खुद सोचिए, आपको किसी को शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म आपने किसी से लोन लिया हुआ है, तो उस लोन का पेमेंट आप किससे करेंगे, अपनी जमीन बेच के तो करेंगे नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के तो करेंगे नहीं, ठीक है। यहां एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, वो भी मैं बता दूं, अभी मैंने देखा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है, यहां करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। वर्ड का बड़ा फर्क है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड। तो करंट इन्वेस्टमेंट को लेंगे, आते हैं कम टू द पॉइंट कि क्या आप सोचिए कि क्या आप अपने शॉर्ट टर्म लोन्स का पेमेंट कभी भी अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी बेच के करेंगे, कार बेच के करेंगे, नहीं। आप जनरली अपनी अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स में से वो एसेट्स, जैसे आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास कैश में आपको रेगुलर इनकम हो रही है, आपके पास स्टॉक है, उसको बेच के जो पैसा आएगा उससे आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करते हैं। इसीलिए कंपनी का यह मानना है कि जब कंपनी करंट रेशियो फाइंड आउट करती है, तो वो फाइंड आउट करती है कि वो अपने करंट लायबिलिटीज से करंट एसेट्स पे ऑफ करने की कंडीशन में है कि नहीं। इसीलिए इसमें एक मेजरमेंट बनाया गया है, आइडियल करंट रेशियो का, और आइडियल करंट रेशियो विल बी अ 2:1। मतलब ये माना जाता है कि एक फर्म में करंट लायबिलिटी, एक आइडियल फर्म में करंट एसेट्स उसके करंट लायबिलिटी की जस्ट डबल होती है। अगर करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो करंट एसेट्स 2 रुपए होनी चाहिए, वहीं अगर करंट लायबिलिटी 10,000 है तो करंट एसेट्स मिनिमम 20,000 होनी चाहिए, जो एक आइडियल फर्म रिप्रेजेंट करती है।
ओके अब हम लोग मूव करते हैं द सेकंड रेशियो व्हिच इज आल्सो नोन एज एन लिक्विड रेशियो एसिड ट्रेस रेशियो एंड क्विक रेशियो. नाम से क्लियर है एनी रेशियो व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. सो व्हाट इज लिक्विड एसिड ट्रेस एंड क्विक रेशियो. क्विक रेशियो रेफर्स टू द रेशियो व्हिच establish the relationship between the quick assets and current liability. Quick assets या जिसे हम लोग liquid assets कहते हैं उसका relationship हम किससे discuss करते हैं current liability. So उसका short form होता है QA upon CA या LA upon CA. LA मतलब liquid assets. So what is liquid assets? वो assets जिसे हम immediately तुरंत का तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर से ध्यान समझिएगा कौन सी एसेट्स को हम क्विकली क्या कर सकते हैं लिक्विड रेशियो मान सकते हैं जिनको हम इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द करंट एसेट्स. करंट एसेट्स कौन सी होती है जो उसको कैश में कन्वर्ट होने में एक साल का सर्कुलेशन लगता है और क्विक एसेट्स कौन होती है जिन्हें एक साल से भी कम यानी इनके कंपेरेटिवली उन एसेट्स का रियलाइजेशन पीरियड छोटा होता है. ठीक है. सो करंट लायबिलिटी का तो आपने डेफिनेशन देख ही लिया है उसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे और हमें क्विक एसेट समझना है. क्विक एसेट्स क्या होता है बेसिकली वो एसेट्स जिनका रियलाइजेशन पीरियड एज कंपेयर टू करंट एसेट्स कम होता है पॉइंट नंबर वन. और इसका फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक यानी जिसे हम इन्वेंट्रीज कहते हैं इसको इन्वेंट्री लिखे तो सबसे बेटर है. इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंस. सो जब हम करंट एसेट्स में से दो आइटम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देते हैं तो ये बन जाता है आपका क्या इट बिकम्स द क्विक एसेट्स ऑफ द कंपनी. सर क्या इसमें आइडियल का कोई पैरामीटर है? यस इसमें भी आइडियल का पैरामीटर डिसाइड किया गया है. आइडियल क्विक रेशियो जो होता है वो होता है 1:1 यानी एक आइडल फर्म में जो क्विक रेशियो है मतलब जो उसकी क्विक एसेट्स है वो उसके करंट लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए. मतलब अगर आज ही सारे करंट लायबिलिटी वाले फैक्टर बैंक बिल्स पेबल का यानी कि ड्रॉवर क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडवांस इनकम अगर आज ही हमारे सामने खड़े हो जाए कि मेरा पेमेंट करिए तो फर्म के पास इतनी कैश होनी चाहिए इतना तो कैश होना चाहिए कि वो अपने करंट लायबिलिटी को तुरंत का तुरंत पे ऑफ कर सके तभी उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन सबसे बेटर मानी जाती है. यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के जस्ट डबल होनी चाहिए लेकिन क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू द करंट लायबिलिटी व्हिच इज गिवन बाय द आइडियल रेशियो ऑफ क्विक रेशियो. Okay, so please note down all these information in your copy. We discussed the first ratio of accounting ratio, that's the liquidity ratio. It be expressed in the simple form XS to Y. Liquidity ratio is also known as a short-term solvency ratio by which we can easily establish the relationship between the short-term liabilities and short-term assets. Liquidity ratio include the two types of the ratio, current ratio and liquid asset test and quick ratio. Current ratio is equals to the current asset divided by current liability, whereas a quick ratio equals to the quick assets divided by current liability, and the ideal current ratio will be a 2:1, whereas the ideal quick ratio is 1:1. So I hope it is clear for you. Please note down in your copy. Let's we move to the next topic. So after discussing the first ratio, that is the liquidity ratio, current ratio, liquidity, let's we move to the next. Before moving to the next type of the ratio, that is insolvency ratio, let's we discuss the at least one practical problem related to the current ratio and quick ratio. Okay, so मैं रफ कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाकर रेशियोज को अपने माइंड में रिकैप्चुलेट करिए और देखिए कि क्या ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टली क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आई होप इट इज क्लियर.
okay? So the question is, find out current ratio and liquid ratio. Find out current ratio and liquid ratio. And the information are given in the question is cash and cash equivalent, cash and cash equivalent 16,000. Trade receivable will be of 154,000. Inventories 120,000. 120,000. Trade payable 150,000. Short term borrowing, that is in bank overdraft will be of 10,000, and other current liability equals to 10,000, and last will be of other current assets, that is in prepaid expense. So prepaid expense को लिया गया, prepaid expense is 50,000. So ये items given है question, and question is asking to calculate the current ratio and liquid ratio. चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले है करंट रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. सो करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स आएंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इन्वेंटरी करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स ये है. सो इनको टोटल कर देंगे 16,000 प्लस 154,000 प्लस 120,000 प्लस 50,000. ओके, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी टीपी, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर करंट लायबिलिटी 150, 10 एंड 10. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा, टोटल करंट एसेट्स विल बी 3,40,000 एंड टोटल करंट लायबिलिटी विल बी 1,70,000. सो द करंट रेशियो विल बी 2:1. और अगर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कमेंट करने के लिए, तो आप कहेंगे कि नहीं, इस कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है आइडियल करंट रेशियो को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है. यानी इसकी जो करंट एसेट्स है वो उसके करंट लायबिलिटी के क्या है? जस्ट डबल है. Is that clear? So this is in current ratio. नीचे आप sentence में बता देना कि that is the ideal current ratio is 2:1 and the as per the given information this company has also the maintain the ideal current ratio. That's why the company's short term solvency position is sound, not good, sound. Word याद रखिएगा, sound. दूसरा हम लोग discuss करते हैं लिक्विड रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिक्विड रेशियो? लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. लिक्विड एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? सर आपने बताया कि दो फैक्टर को हटा देंगे, कौन कौन सा? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस. यानी लिक्विड एसेट्स मतलब जब हम करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देते हैं तो ये बन जाता है आपका लिक्विड एसेट्स. यानी करंट एसेट आपने कितना फाइंड आउट किया है? 3,40,000. उसमें से जब हम दो फैक्टर इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया दोनों मिलाकर 1,70,000 हटा दो, करंट लायबिलिटी तो सेम वही रहेगी जो आपने कैलकुलेट की है. करंट लायबिलिटी करंट रेशियो के रिस्पेक्ट में और करंट एसेट्स के रिस्पेक्ट में सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. सॉल्व कर लीजिए, करंट लिक्विड रेशियो विल बी 1,70,000. So, यहां पे भी आप कमेंट करेंगे, इन दिस क्वेश्चन वी फाउंड दैट कंपनी फॉलो द आइडियल लिक्विड रेशियो, दैट इज इन 1:1. सो दैट्स व्हाई कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन इज आल्सो साउंड.
क्योंकि कंपनी आइडियल रेशियो को फॉर्म ही कर रही है। यहां पे आपने आइडियल रेशियो को भी देख लिया और कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज एन कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, सो इन टुडेज वीडियो वी स्टार्टेड एंड डिस्कसिंग अबाउट द अकाउंटिंग रेशियो, द टाइप्स ऑफ द रेशियोज and the different way by which we express the ratio, and also we discuss the first type of the accounting ratio, that is in profitability ratio. In this ratio we discuss current ratio and liquidity ratio. In the next video we will move to the next type of the ratio, that is in solvency ratio. So aaj ke liye itna hi, thank you, take care, goodbye.